वेलकम फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर एस्पायरेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जैम और जेली के बीच में क्या डिफरेंस है उसको देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और एग्रीकल्चर एग्ज़ाम्स का तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबा दें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहे। ठीक है, चलिए देखते हैं जैम और जेली में क्या डिफरेंस है। जैम जो होता है, इसमें राइप एंड थिक फ्लेसिड फ्रूट्स आर यूज्ड। इसमें जो राइप रहता है और थिक फ्लेसिड रहता है, वैसे फ्रूट्स को हम लेते हैं, मतलब जो पका हुआ रहता है और मोटा रहता है उसको। और जेली में यूज्ड फॉर्म्ड एंड मैच्योर फ्रूट्स, इसमें जो पूरी तरीके से मैच्योर हो जाता है ऐसे फ्रूट्स को लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जैम में पेक्टिन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इसमें पेक्टिन इम्पॉर्टेंट नहीं रहता है और जेली में पेक्टिन इज़ नेसेसरी। जेली में पेक्टिन नेसेसरी रहता है जो 0.5 से 1% तक हो सकता है। पेक्टिन टेस्टेड बाय अल्कोहल जेल मीटर और सीड टेस्ट, इन तीनों टेस्ट से हम पेक्टिन को मेजर करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है जैम जो होता है वो ओपेक होता है। ठीक है, और जेली जो है वो ट्रांसपेरेंट रहता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं जैम में शुगर इज एडेड अकॉर्डिंग टू एसिड कंटेंट। ठीक है, शुगर एडेड करते हैं जैम में एसिड कंटेंट के हिसाब से, जो लगभग 68.5% तक शुगर हो सकता है। ठीक है, जैम में। और शुगर इज़ एडेड अकॉर्डिंग टू पेक्टिन कंटेंट इन जेली। जेली में लगभग 60 से 65% तक शुगर एडिड करते हैं पेक्टिन कंटेंट के हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिक्सिंग ऑफ फ्रूट्स। जो जैम है उसको फ्रूट्स को मिक्स करके ही प्रिपेयर किया जाता है, जैसे कि एप्पल है, पपाया है, टोमेटो है, स्ट्रॉबेरी है, इस सारे का जैम जब बनाते हैं मिक्स करके बनाते हैं। और इसमें फ्रूट को मिक्स नहीं किया जाता है, जैसे गुआवा हो या एप्पल। ठीक है, इसमें टेम्परेचर का ज़रूरत रहता है जैम में 219 से 221 डिग्री फारेनहाइट तक, और जेली बनाने का एंड पॉइंट होता है 221 से 222 डिग्री फारेनहाइट, मतलब 105.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, TSS कंटेंट होता है जैम में 68.5% और जेली में होता है 70% TSS। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं जो जैम है उसमें एसिड शुड बी 0.5 to 0.6%। ठीक है, एसिड 0.5 से 0.6% होता है जैम में। और फ्रूट में कितना फ्रूट एसिड कितना होना चाहिए जेली में, ये है 1%। ठीक है, तो ये दोस्तों डिफरेंस है जैम और जेली में। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू दोस्तों। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे हो तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करें। थैंक यू।